मम्मी का बर्थडे आज, तूने विश किया उन्हें? नहीं, और तू उनको बोलना कि मैं भूल गई, समझी? क्यों? क्योंकि मैं उनके लिए एक सरप्राइज बर्थडे पार्टी प्लान कर रही हूँ। सरप्राइज पार्टी? वाओ सुमन, सही है। चाची का अपने बर्थडे पे एक्साइटमेंट लेवल वीर जैसा होता है। तो सुन, मैं ना सबको साथ में लेकर आऊंगी तो एक अच्छा सा गेट टुगेदर भी हो जाएगा, है ना? ऑफ कोर्स, ग्रेट आइडिया। वैसे तो तू बगल में ही रहती है सुमन, पर तेरे जाने के बाद घर का माहौल बहुत उदास उदास हो गया। सब आएंगे तो मजा आएगा। हाँ, अब तू ध्यान रखना कि चाची को गलती से भी कुछ भी ना पता चले, ओके? यस मैडम, डन। ओके बाय, सी यू। सुमन? हाँ। कुछ कहा उसने? कुछ नहीं मम्मी, बस इधर उधर की बातें कर रहे थे। और कुछ नहीं कहा? ओ, आप अपने बर्थडे के हिसाब से पूछ रहे थे, भूल गई होगी मम्मी। एक काम करती हूँ, मैं ना उसे फोन करके याद दिला देती। नहीं नहीं, रहने दे कंचन, ठीक ही तो है। अब उसकी अपनी भी तो गृहस्थी है, उसमें बिजी रहती होगी। अरे मम्मी छोड़ो ना सुमन को, हम सब ने तो सुबह सुबह उठ के आपको विश किया था ना। क्यों ही? यस, आज ना मैं आपके लिए कुछ अच्छा बनाती हूँ खाने में। तू बनाएगी? जी हाँ, आपकी कोई भी मनपसंद डिश। नहीं, हम बाहर से मंगवा लेंगे, आप क्यों बना रहे हो? वीर, बहुत बोल रहा है तू। मम्मी साथ में मिलके करते हैं ना सेलिब्रेट। अब ठीक है, तुम लोग को जैसा ठीक लगे वो करो। हाँ श्रवण, आज हम जल्दी वापस आओगे? यार आज थोड़ा मुश्किल है, ऑफिस में काम बहुत है और पेपर वर्क भी निपटाना है, और फिर उसके बाद प्रैक्टिस भी जाना है मुझे। श्रवण प्लीज, मेरे लिए, इसलिए चाची का बर्थडे और मैंने उनके लिए सरप्राइज बर्थडे पार्टी प्लान की, हम सब चलेंगे। प्लीज 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 मेरे लिए। हाँ कर। कोई इस चेहरे को ना कैसे कह सकते हैं? मैं आऊंगा। हाँ, बाकी घर वालों को बुलाने की जिम्मेदारी तुम्हारी। हैप्पी? बहुत। श्रवण चले? अरे नहीं, मुझे थोड़ा टाइम और लगेगा। एक काम करे, तुम घर के लिए निकलो और सबको लेकर चाची के यहाँ पहुंचो, तब तक मेरा काम भी खत्म हो जाएगा, मैं वहीं आ जाऊंगी। ओके। अच्छा सुनो, वो चाची के लिए गिफ्ट। मैडम, चाची के लिए गिफ्ट बहुत पहले ऑर्डर किया जा चुका है, अब बस मुझे जाके पिक करना। अरे वाह, वैसे तुम्हें कैसे पता कि चाची को क्या पसंद आएगा? वो क्या है ना मैडम, बचपन में तुम्हारे घर के इतने चक्कर लगाए ना मैंने कि चाची क्या डमरू तक की पसंद नापसंद पता मुझे। ऐसे थोड़ी ना इतने पसंद हो तुम मुझे, और मुझे देख लो, अभी तक नए घर के बारे में, उनकी चॉइस के बारे में मुझे ठीक से कुछ नहीं पता। कैसे पता होगा, तुमने थोड़ी ना मेरे घर के चक्कर लगाए थे। और तुम टेंशन मत लो, धीरे धीरे सब पता चल जाएगा। तुमसे ज्यादा ही पता होगा। उसमें तो कोई डाउट ही नहीं है, तुम हो ही कमाल। तो मैं चलूं? जा जाके देख जरा कौन है। अब मम्मी आप खोल दो ना, मुझे कुछ काम है अभी। अभी ना तुम ही देख लो ना दरवाजे में कौन आया। ये हैं आजकल के बच्चे, ना तो माँ बाप की कद्र करते हैं, ना कुछ याद रखते हैं, बस हमें ही भगाएंगे। हैप्पी बर्थडे दोस्ती जी। खुश रहो बेटा, खुश रहो। ये आपके लिए चाची। अरे थैंक यू, आप लोगों ने तो सच में बहुत ही अच्छा सरप्राइज दे दिया मुझे। सुमन? वो बस अभी आती होगी। ये सारा प्लान ना सुमन का था मम्मी, देखा इतनी कद्र करते हैं बच्चे मम्मी पापा की। हाँ, तभी तो मेरा दिल मानने को ही तैयार नहीं था कि सुमन और मेरा बर्थडे भूल जाए। अरे आप लोग प्लीज अंदर आइए ना, बाहर क्यों खड़े हैं, प्लीज कम इन। ले बेटा। क्या हुआ, बात हुई सुमन से?
उसे बोल केक काटने वाले हम लोग इंतजार कर रहे हैं उसका। कहाँ रह गई वो? मैं फोन उठाया तो बोलू ना। पर सुमन फोन क्यों नहीं उठा रहे? सुमन का फोन, मैं बात करके आता हूँ। सॉरी श्रवण, आई नो मैं अभी तक पहुंची नहीं, लेकिन मुझे ना थोड़ा और टाइम लगेगा। मैं पहले ही निकल जाती लेकिन कुछ इम्पोर्टेंट काम आ गया। नहीं जिम्मेदारी है तो मना भी नहीं कर सकती, तुम वहाँ प्लीज मैनेज कर लोगे ना? क्या मैनेज तो मैं यहाँ कर ही रहा हूँ। मैंने अपने सारे काम कैंसिल किया आज शाम के लिए, लेकिन अभी ऐसा क्लियरली लग रहा है ना कि तुम्हारे काम मेरे काम से कुछ ज्यादा इम्पोर्टेंट है। कोई बात नहीं, यू कैरी ऑन सुमन। सुमन तुम झगड़ा क्यों कर रहे हो? झगड़ा नहीं कर रहा मैं। कोई बात नहीं सुमन, तुम चिंता मत करो, मैं संभाल लूंगा हमारी दोनों फैमिलीज को। तुम अपना काम मैनेज करो। बाय। श्रवण बेटा, बात हुई सुमन से? पापा वो क्या है ना कि जिम्मेदारियां बढ़ी है तो काम भी बढ़ गया है, अभी कुछ जरूरी काम आ गया उसे तो थोड़ा देर लगेगी। आप सबसे माफी भी मांगी है। अरे नहीं नहीं, माफी किस लिए? इतनी मेहनत से इस जगह तक पहुंची है, उसको कहो कि दिल लगाकर काम करे। हाँ भाई, फौजियों के लिए तो ड्यूटी ऑलवेज फर्स्ट। बिल्कुल बिल्कुल जी, और ऐसा होना भी चाहिए जी। बिल्कुल हाँ अंकल, इसीलिए जो यहाँ है वो सेलिब्रेट करते। सुमन बहुत एक्साइटेड थी इसके लिए। हाँ, और मुझसे भी वेट नहीं हो रहा है। बीना जी आप केक कट कर लीजिए। चलो 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 कर लेते हैं। ये आप क्यों बना रही हैं जी? हमें दीजिए, हम बना देते हैं। अरे झुमरी दीदी, आपके पराठे तो है ही कमाल के। कभी कभी मुझे भी तो मौका मिलना चाहिए ना घर वालों को अपने हाथ से खाना खिलाने का। अभी आप ये टेस्ट कीजिए। बहुत अच्छा है जी। वो क्या? आटा लगा था, साफ हो गया। अब जब कभी कभी किचन में आओगे तो ऐसा ही होगा ना। एक काम करो, तुम ना सबके लिए नाश्ता लगा लो, श्रवण के लिए मैं खुद लेकर जाऊंगी। देखो श्रवण, डियर वाइफ लेकर आई है गरम गरम नाश्ता अपने डियर हस्बैंड के लिए। श्रवण श्रवण वेरी गुड श्रवण, कीप इट अप। क्या हुआ, रुक क्यों गया? श्रवण मुझे तुमसे 2 मिनट बात करनी है प्लीज। सुमन मैं भी प्रैक्टिस कर रहा हूँ यार। श्रवण प्रैक्टिस मुझे भी करनी है, पर 2 मिनट बात नहीं कर सकते क्या? हाउ आर यू मेजर सुमन? मैं ठीक हूँ सर, मैं बस। गुड, तो आप आई गई हैं तो आज श्रवण के साथ एक मैच हो जाए, हमें भी तो जानने का मौका मिले कि हमारा अपोजिशन कितना स्ट्रांग है। श्योर सर, नो प्रॉब्लम। Keep it up. Thank you, sir.
मैंने कहा था ना सर, मैं आपको निराश नहीं करूंगा। वेल डन, वाकई में अपनी बात की पक्की। थैंक यू सर। और मुझे लगता है कि मेजर सुमन भी मुझे डिसअपॉइंट नहीं करेंगे और मेरे लिए लेफ्टिनेंट जनरल दुआ से बात करेंगे। आई स्ट्रांगली बिलीव। थैंक यू। पर यार अभी तो आया हूँ सुमन। बस एक ही बाइट की बात है ना, बाद में खाने में क्या प्रॉब्लम है? अच्छा, तुम इतनी जल्दी भूल गए कि कामयाब शादी वो होती है जहां एक पति अपनी पत्नी की हर बात सुने। अच्छे से याद है मुझे। करेक्ट, लेकिन उसमें एक एडिशन है, सिर्फ सुनता नहीं मानता भी। तुम्हें तो पता है ना श्रवण कि अब काम कैसा है और अब तो मेरा काम भी कितना बढ़ गया है। लेकिन मैं एक बात जानती हूँ कि काम बढ़ना वो एक बहाना नहीं हो सकता उसे प्रॉमिस तोड़ने का। इसीलिए अगर जब भी मैं तुम्हारा कोई भी प्रॉमिस तोड़ू तो मैं वही करूंगी जो तुम कहोगे। आई प्रॉमिस। अभी पूछ लूं क्या सुमन से? अरे किस सोच में गुम हो गए श्रवण? मैंने कहा ना तुमसे, जब भी तुम मुझसे रूठोगे चाहे मैं कोई भी प्रॉमिस दूँ, मैं तुम्हें ऐसे ही मनाऊंगी। जो तुम कहोगे वो मैं करूंगी। आई प्रॉमिस। सुमन, एक्चुअली एक चीज है जो तुम कर सकते हो। हाँ, वो मेरे सीओ चाहते हैं कि तुम उनकी पोस्टिंग का लेटर दुआ सर के सामने पुश करो। और कितनी अच्छी बात है ना सुमन कि तुम्हारी अभी मीटिंग है दुआ सर के साथ, तो तुम ये बात अगर आज ही उनसे करो तो कितना अच्छा होगा सुमन। एक्चुअली ये बात बहुत जरूरी है सुमन, तुम उनसे बात करोगी ना आज? श्रवण, मैम आपको गुजरात सर ने फॉरन बुलाया है। ठीक है, मैं आती हूँ। श्रवण। हाँ? मुझे लौटने में शायद देरी हो जाएगी, तो मैं तुम्हें डायरेक्टली घर पर मिलूंगी। बेफिक्र होगे हुआ बेट जियो, हम तुम्हारे लिए ऑर्डर लेकर अब भी आ गए हैं। ओके। जे देखो, तुम्हारे लिए भोपाल के चाय टपरी के गर्मा गर्म समोसे। क्यों हो गया? बताओ क्या हुआ है? अरे ये ड्रेस कैसे फट गई? एक काम करो, चलो घर चलते हैं। ओह गॉड, अगर मैं उठी और ड्रेस और फट गई तो? देखो कंचन, अगर तुम उठोगी नहीं तो हम चलेंगे कैसे? पंटी, अगर तुम्हें घर जाना है तो तुम जाओ, मैं यहीं हूँ। यहाँ कब तक रही होगी? जब तक ये सब लोग घर नहीं चले जाते तब तक। देखो कंचा, तुम ना हमारी दोस्त हो, पक्की वाली दोस्त, और हम कोई यूं भगोड़े दोस्त नहीं है जो हमारी दोस्त को यूं मुसीबत में छोड़कर बस यूं भाग लिए। तुम ये अब ध्यान से सुनो, जैसे ही मौका मिले ना फट से भाग के वहां उस बाइक की तरफ पहुंची, हम सीधा वहां ही मिलेंगे। पंडित, पर मैं ऐसे कैसे? भरोसा रखो हम पर।
बटुआ किसके यहाँ गिर गया है? एक काम करो सब, अपने जरा जेब में हाथ डाल के चेक कर लियो कि कहीं आपका तो नहीं है। एक काम करो, सुनो ना, इधर यहाँ आ जाओ, आ जाओ, आप आ जाओ, ये आपका है, यहाँ से देखो। हाँ, शाबाश। अच्छा, एक छोटा सा प्रॉब्लम दिख रहा है। क्या सर? आपने कहा था कि मेजर सुमन ने लेफ्टिनेंट जनरल दुआ से बात कर ली है, लेकिन मुझे कहीं से पता चला है कि कोई बात नहीं हुई, उन तक किसी ने कोई चर्चा ही नहीं की। मेजर सुमन को बता तो दिया था ना? यस सर। लगता है मेजर सुमन ने आपकी बात को इम्पोर्टेंस देना जरूरी नहीं समझा। खैर, ये अब आपका पर्सनल मामला है, लेकिन जैसा भी हो मुझे बताइएगा, कम से कम कुछ पता तो चले। नहीं नहीं सर, ऐसी बात बिल्कुल भी नहीं है। मेजर सुमन डेफिनेटली बात करेंगे, मुझे उन पर पूरा भरोसा है। हाँ भाई, मियाँ बीबी में एक दूसरे के लिए इतनी अंडरस्टैंडिंग तो होनी चाहिए। वेल, गुड जॉब मेजर। जय हिंद। अच्छा, थैंक यू, बहुत अच्छा लगा कि तुम आई। अभी हम चल रही है हा? और पार्टी अभी भी उधार रही है। पांटी, थैंक्स फॉर एवरीथिंग। बाय द वे, दुआ सर से बात की तुमने? श्रवण, दुआ सर के साथ आज मीटिंग तो थी मेरी, लेकिन वो बात रह गई। मतलब आई मीन श्रवण, एक्चुअली बोलो। श्रवण, आई मीन सुमन, तुम ये क्यों भूल जाती हो कि मैं तुम्हें बचपन से जानता हूं? तुम ये काम करना नहीं चाहती और मुझसे कह नहीं पा रही। श्रवण, तुम्हें मुझसे सिर्फ इतना कहना है कि तुम्हें पर्सनल और प्रोफेशनल लाइफ मिक्स करना पसंद नहीं। That's it. यानी कि तुम मेरा काम नहीं करने वाली। सुमन, मैं ये कभी नहीं चाहूंगा कि जिंदगी में कभी भी किसी भी वजह से तुम्हें अपने उसूलों के साथ समझौता करना पड़े, फिर चाहे वो जो मैं ही क्यों ना। तुम बिल्कुल चिंता मत करो, मैं सीओ सर को सब कुछ साफ साफ बता दूंगा, उसके बाद ही उनके प्रॉब्लम है। क्या तुम सच में ऐसा सोच रहे हो श्रवण, या सिर्फ मेरा दिल रखने के लिए? क्या बात है अवनी, मुझे शादी नहीं करनी। ओके, तुम्हें शादी इस लड़के से नहीं करनी, या तुम्हें शादी ही नहीं करनी? तुम भी तो मेरी बहन जैसी हो ना अपनी, तो नहीं शेयर करोगी अपनी प्रॉब्लम? भाभी, प्रॉब्लम नहीं, एक फेवर चाहिए आपसे। बोलो ना। भाभी, क्या आप ऐसा कह सकते हैं कि आपको लड़का पसंद नहीं है? क्योंकि आप कहेंगे तो कोई कुछ नहीं पूछेगा, पर मैं कहूंगी तो सब मुझसे रीजन मांगेंगे। नहीं भाभी, आप कोई भी बहाना बना दीजिएगा, ऐसा बोल दीजिएगा कि जल्दबाजी नहीं करते, टाइम लेते हैं। प्लीज, आप कोई भी बहाना बना दीजिए प्लीज। तो आप सब इसी बात का अंदाजा लगा रहे हैं ना कि मैंने कल रात अवनी से बात की या नहीं की? बात तो काफी हुई मम्मी, और अवनी से बात कर ही मुझे इस बात का एहसास हुआ कि हम उसकी शादी को लेकर इतनी जल्दबाजी क्यों कर रहे हैं।
मतलब इतना खास तो नहीं है लड़का, हम कुछ और ऑप्शंस देख सकते हैं, कोई तो मिलना चाहिए जो अवनी के लायक हो। आजकल की मॉडर्न लड़की है हमारी अवनी, उसकी भी कोई सोच है, राय है, पर पुत्र ये बताने के लिए तो इतना शर्मा रही थी। हाँ भाई देखो, मैं तो बस इतना ही कहना चाहूंगा कि जो भी डिसीजन लेना है फैमिली वालों को साथ ले लो, हाँ या ना जो भी है ठीक है, लेकिन हमें सस्पेंस में मत रखो भाई, हमारी जान अटक रही है। अब कोई बात नहीं भाई साहब, अब सुमन आ गई है ना, ये सारे काम अब सुमन संभालेगी। जी तुम्हारे असली रीजन का वेट रहेगा मुझे। जो लड़का कल पसंद आ रहा था सुमन को, आज अचानक पसंद ही बदल गई। सर, मेजर श्रवण, हाउ आर यू? चिट्ठी मिल गई मुझे, सोचा तुम्हें बता दूं और पूछ भी लूं कि मेजर सुमन ने दुआ सर से मेरे लिए बात की थी भी या नहीं, कुछ तो बोलो। I'm sorry sir. Sorry किस बात के लिए? सर वो एक्चुअली क्या ना कि जेंस, सर ये सॉरी श्रवण को नहीं, मुझे आपसे कहना चाहिए। आपकी बात बताई थी श्रवण ने मुझे, मेरी कल मीटिंग भी हुई थी दुआ सर के साथ, लेकिन सर कुछ और चीजों के बारे में डिस्कस कर रहे थे तो आपकी बात करनी रह गई। आज मीटिंग है मेरी उनके साथ सर, मैं बात जरूर करूंगी, लेकिन मैं आपको गारंटी नहीं दे सकती कि आपका काम हो ही जाएगा। बस इतना ही तो चाहिए था मेजर सुमन, बाकी सब तो सर के हाथ में है, नहीं हुआ तो नहीं हुआ, ऑर्डर्स हैं फॉलो करेंगे। वैसे थोड़ी देर के लिए मुझे लगा कि आपने कंसीडर करने से भी मना कर दिया, क्या आप मेजर श्रवण के सीओ के लिए इतना भी नहीं कर सकती? श्रवण के लिए मैं कुछ भी कर सकती हूँ सर। भी चलती हूँ, मेरे पेशेंट्स मेरा वेट कर रहे होंगे। जैन जैन बहुत लकी हैं आप, इतनी अच्छी लाइफ पार्टनर मिली है, थैंक यू। जैन साहब। जैन मैं सुमन को उसके उसूलों के साथ समझौता नहीं करने दूंगा, मैं हमारा प्यार कमजोर नहीं पड़ने दूंगा यार। आपकी काबिलियत तो खैर मैंने खुद देखी है, पर मेजर श्रवण के चर्चे काफी हैं। हालांकि उनकी रेजिमेंट दूसरी है, पर कंपटीशन का स्टैंडर्ड अच्छे प्लेयर्स बढ़ा देते हैं, क्यों सुमन? जी सर। उनसे कहिए कि ज्यादा से ज्यादा स्पोर्ट्स में पार्टिसिपेट करें, आपके सामने भी तो अपोजिशन तगड़ा होना चाहिए मेजर। जी सर, मैं पूरी कोशिश करूंगी। गुड। क्या बोल रही है यार ये, और जो करने क्या भागा है सब, जो 2 मिनट आपसे कुछ बात करनी थी। बताइए। मुझे आपसे एक फेवर चाहिए सर। 2 दिन हुए हैं आए हुए, अभी से फेवर? लीजिए ये भी आ गए। कमाल है मेजर, अभी आप ही की बात कर रहे थे, आपको बैडमिंटन के अलावा दूसरे स्पोर्ट्स में भी पार्टिसिपेट करना चाहिए, सोचिए इस बारे में। बिल्कुल सर। मेजर सुमन, किसी फेवर की बात कर रही थी आप? सर वो एक्चुअली सुमन को फेवर के लिए मैंने कहा था, वो क्या ना कि सुमन और मैं दोनों अलग अलग रेजिमेंट में, अगर हम प्रैक्टिस साथ में करते तो इट वुड बी ग्रेट फॉर अस सर। इस फेवर की बात कर रही थी आप? जी सर, वो क्या ना कि मेजर सुमन रूल्स को लेकर काफी पर्टिकुलर है,
तो मैंने इनसे कहा था कि एक बार आपसे बात करके देखे अगर पॉसिबल हो तो। इसमें फेवर की कोई बात ही नहीं है, कोई भी किसी के साथ भी प्रैक्टिस कर सकता है। थैंक यू सो मच सर। ऑल द बेस्ट मेजर। ऐसे ही सरप्राइजेस का तो मैं वेट करता हूँ मेजर। और दुआ सर के सामने तुम्हारे सरप्राइज ने तो मुझे सच में शर्म, मुझे तो यकीन ही नहीं हो रहा था कि ये हुआ क्या। यकीन तो मुझे भी नहीं हुआ था जब तुम चौधरी सर के सामने आ गई थी। मुझे तो हमेशा से पता था कि तुम मुझे कॉपी करते हो। देखो आज ये बात प्रूफ भी हो गई। तो फिलहाल आप यहाँ बैडमिंटन खेलने आई हैं डिबेट करने? चलो मैदान में। और वैसे मैं बैडमिंटन और डिबेट दोनों में चैंपियन थी। शान, शान हाथ छोड़ो। और अगर ना छोड़ू तो? मैं तुम्हें हराना दूँ इसलिए मेरा हाथ पकड़ रहे हो ना? जब इतनी रोमांटिक हो रहा है अपना प्यार और साथ तो फिर बीच में क्यों ला रही हो तुम ये हार जीत की बात? तो फिर बताओ कौन सी बात लाऊं मैं? बता दूं? तुम क्या देख रही? अपना घर। ये देख रही हो कि वक्त कितना कुछ बदल देता है ना? हाँ, अच्छा भी और बुरा भी, और शायद यही वक्त की खूबसूरती भी है। हाँ सुमन, हमें पता भी नहीं चलता और अक्सर कुछ चीजें कब हमारा सपोर्ट बन जाती हैं। वो चीजें हमारे साथ है तो हम ज्यादा स्टेबल और सिक्योर फील करते हैं, पर वो चीजें कभी बदलनी नहीं चाहिए। क्या चीजें? लोग, अंडरस्टैंडिंग और प्यार। आई एम सॉरी सुमन। किस लिए श्रवण? तुम सब जानती हो और फिर भी चुप हो। ये जानते हो कि तुम्हें पर्सनल और प्रोफेशनल लाइफ मिक्स करना पसंद नहीं है। ये जानते हुए कि तुम्हें अपने असूलों के साथ समझौता करना पसंद नहीं है। मैंने वो फेयर वाली बात की, मुझे नहीं करनी चाहिए थी, उसके लिए हम रियली सॉरी। मैं जानता हूं तुम मुझसे कितना प्यार करते, पर इतना प्यार कि मेरे लिए अपने असूलों के साथ समझौता कर लिया ये नहीं पता था। तुम्हें ऐसी सिचुएशन में लाने के लिए रियली सॉरी। श्रवण, मैं जानती हूँ कि तुम मेरे साथ कभी भी कुछ गलत नहीं करोगे, ना होने दोगे। फॉर मोर अपडेट्स सब्सक्राइब टू आवर चैनल, क्लिक द शो लिंक्स एंड एंजॉय वॉचिंग द वीडियोज़।